bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum my dear students how are you i hope you would be fine and i am here with a new video which is related to decimals i have observed that students face a little bit of difficulty while solving different questions related to decimals so i'm here providing you the um, easiest way of solving different operations of decimals मैंने देखा है बच्चों को बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब डेसिमल्स की बात आती है कहते हैं हम किस तरह से करेंगे तो डेसिमल्स और जो हम नॉर्मली ऑपरेशन कर रहे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसके अंदर बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं हम यहां पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ इजी इट इज ठीक है तो यहां पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है इट्स बेसिकली न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्क बुक फोर बी एंड चैप्टर नंबर वन सॉरी चैप्टर नंबर नाइन ठीक है एडिंग सी हाउ टू एड डेसिमल्स ठीक है यहां पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं डेसिमल के बाद जो पहली वैल्यू होती है ये आप समझ लीजिए इसको टेन वैल्यू कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखने की है एडिशन और सब्ट्रेक्शन ऑफ डेसिमल्स के अंदर कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए तो जब भी आप देखें टाइटल एडिंग डेसिमल्स या सब डेसिमल्स आप क्या करें सबसे पहले डेसिमल के नीचे आप एक डेसिमल लगा दीजिए अब आपका आंसर इधर उधर नहीं जाएगा आपका आंसर हमेशा बिल्कुल सही होगा ठीक है मैं क्या कर रही हूं एक ही लाइन में सारे डेसिमल्स को अरेंज कर रही हूं ठीक है डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल लगा दिया अब मेरा जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप समझे कि डेसिमल हमारे पास नहीं है हमने डेसिमल का काम कर दिया है अब इसके बाद हमें डेसिमल को कंसिडर नहीं करना ठीक है अब देखते हैं यहां पर मेरे पास थ्री और सिक्स वेन वी एड थ्री विथ सिक्स वी गेट नाइन तो दुड बी जीरो पॉइंट नाइन सिंपल सिमिलरली अच्छा अब यहां पर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब हमारे पास आंसर टू डिजिट्स रिलेटेड आ जाता है तो दोनों डिजिट्स को यहीं पर डेसिमल के साथ लिख देते हैं नो जब आपके पास आंसर ऐसा आएगा जो टू डिजिट्स को क्रॉस कर रहा है जैसे सेवन प्लस फोर इज इलेवन तो हम इसी तरह से करेंगे कि जो यूनिट का वन है उसको नीचे रखा और जो टेंस का वन है उसको हम कैरी कर देंगे जीरो के ऊपर ठीक है वन वन इलेवन और फिर यहां पर हमारे पास आंसर आएगा वन पॉइंट वन स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां पर आंसर लिखेंगे जीरो पॉइंट वन वन जीरो पॉइंट वन वन तो वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जब भी हम यहां पर ऐड करेंगे तो आप याद रखिए जब भी दो डिजिट्स आएंगे तो उसमें से हमें यूनिट डिजिट नीचे रखना है और टेंस डिजिट को ऊपर भेज देना है ठीक है इसी तरह से यहां पर हमारे पास है अब हमारे पास डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास जो हंड्रेड की वैल्यू है उसमें टू और फाइव है विच गिव सेवन जीरो प्लस जीरो जीरो एंड जीरो प्लस जीरो जीरो, 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 जीरो जीरो तो दी आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिमिलरली गोज विद दिस वन एट प्लस टू गिवस एस टेन अब यहां पर भी हमारे पास दो डिजिट आंसर आ गए तो सिर्फ हम जीरो को यहां पर लिखेंगे बाकी वन को हम क्यारी दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो पर हमारे पास जीरो प्लस वन 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 प्लस जीरो वन एंड दिस इज जीरो जीरो पॉइंट वन वन वेरी सिंपल सिमिलरली गोस विद प्लस वन फाइव फाइव प्लस फोर नाइन जीरो प्लस जीरो जीरो आंसर इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव तो आपने देखा डेसिमल पहले से लगा लेने का हमें क्या फायदा हुआ कि हमें सिंपली एडिशन करना है और हमें किसी भी तरफ नहीं जाना अब यहां पर मेरे पास नंबर है सिक्स और नाइन जब हम इनको एड करते हैं तो आंसर आता है फिफ्टीन तो अब ये टू डिजिट नंबर है इसके अंदर हम जो यूनिट डिजिट है उसको नीचे रखेंगे फाइव को वन को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सेवन प्लस वन इज एट एंड द आंसर इज जीरो पॉइंट एट फाइव Similarly we have another question that is nine plus three it gives us twelve तो यहाँ पर हम two को नीचे रखेंगे one को seven के साथ carry forward कर देंगे and when we'll add one plus seven and two the answer is again ten तो zero को हम यहाँ रखेंगे one को हम carry forward कर देंगे the answer would be one point zero two अच्छा जी ये तो हो गई बात जब हमारे पास vertically लिखे हुए हों तो अगर हमारे पास horizontally लिखे हुए अब क्या करेंगे हम तो अभी भी हम यही करेंगे कि हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल्स को लिखना है और उसके बाद अपने डिजिट्स को हमें अरेंज कर लेना है जैसे हमारे पास यहां पर था 4.28 मैंने लिख लिया 4.28 उसके बाद जो अगला नंबर है दैट इज 2.63 तो मैंने पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट को लगाया और उसके बाद पॉइंट से पहले मेरे पास यूनिट डिजिट में टू था फोर के नीचे मैंने टू लिख दिया पॉइंट के बाद मेरे पास टू डिजिट नंबर थे एक टेनेथ की वैल्यू एक हंड्रेड की वैल्यू तो मैंने टेनेट की वैल्यू को टेनेट के नीचे लिखा हंड्रेड की वैल्यू को हंड्रेड के नीचे लिखा और अब मेरे लिए इसको एड करना बहुत आसान है एट प्लस थ्री इज इलेवन आई राइट वन ओवर हेयर एंड कैरी फॉरवर्ड वन आंसर ऑफ दिक्स टू एंड वन इज नाइन आई राइट नाइन ओवर हेयर एंड देन सिक्स पॉइंट नाइन वन दिस इज द आंसर टू फोर पॉइंट टू एट प्लस टू पॉइंट सिक्स थ्री सिमिलरली आई हैव टू नंबर्स सिक्स पॉइंट फाइव थ्री सिमिलरली थ्री पॉइंट सिक्स सेवन सो यू सी फर्स्ट आई रोड द डेसिमल आफ्टर डेमल उसके बाद में दोनों को प्लस करूंगी ठीक है तो यहां पर भी डेमल के नीचे decimal लगा लूंगी. अब इनको एड करूंगी थ्री प्लस सेवन टेन सिक्स प्लस सिक्स गिवस अस ट्वेल्व टू यहाँ लिखा मैंने वन कैरी फॉरवर्ड किया सिक्स प्लस थ्री प्लस वन अब क्योंकि मेरे पास कोई और डिजिट आगे नहीं है तो मैं यहाँ पर दोनों डिजिट को एक साथ लिख दूंगी दैट इज टेन तो दंसर वुड बी टेन पॉइंट टू जीरो ठीक है ये मेरे पास आंसर आएगा यहां पर मेरा आंसर था सिक्स पॉइंट नाइन वन ठीक है अच्छा जी स्टूडेंट्स अब मैंने बाकी नंबर्स के अंदर भी इसी तरह से कर लिया है इनको वर्टिकली लिख लिया है तो यहां पर हमें किस बात का ख्याल रखना है कि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को लेकर आना है सारी स्टोरी इस डेसिमल के इर्द गिर्द घूमती है अगर आप इस चीज का ख्याल रख लें कि डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल को लिख लिया तो कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा अब यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास जो पहला नंबर है दैट इज 8.2 और दूसरा जो नंबर है वो है 3.79। तो अब आप ये कहेंगे कि ये जो नंबर है इसके अंदर मेरे पास टू डिजिट्स हैं। और जो ये नंबर है इसके अंदर थ्री डिजिट्स हैं अब इसको किस तरह से अरेंज करें तो बच्चे क्या करेंगे डेसिमल को कोई यहां लिख देगा कोई यहां लिख देगा कोई यहां लिख देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा लेकिन अगर आप बिल्कुल इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे जैसे मैंने लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा अब बच्चे कहेंगे अच्छा नाइन के ऊपर तो कोई डिजिट नहीं है तो जब कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जहां पर एक के नीचे दूसरा डिजिट ना हो तो वहां पर हम जीरो को एड कर देते हैं ठीक है तो ये बन गया एट और नीचे हमारे पास है थ्री पॉइंट सेवन नाइन नाइन के ऊपर हम टू को नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो टू है वो टेनथ वैल्यू है ठीक है डेसिमल के फौरन बाद है और यहां पर हम पॉइंट के बाद टेनेथ वैल्यू हमारे पास सेवन है नाइन नहीं है ठीक है तो पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यूज है उनको एक लाइन में लिखते हैं उसके बाद जो हंड्रेड की वैल्यू है उनको एक लाइन में लिखते हैं उसके बाद जो थाउजेंड की वैल्यू आएगी उसको एक लाइन में लिखते हैं इसी तरह से हम इसको अरेंज करते हैं अब हम इसको जब एड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो प्लस नाइन इज नाइन सेवन प्लस टू इज नाइन एंड इज सिमिलरली एट प्लस थ्री इज इलेवन ठीक है तो दी आंसर वुड बी इलेवन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है अच्छा जी इसी तरह से यहां पर आइए अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों के अंदर हमारे पास थ्री डिजिट्स हैं मगर जो डेसिमल की प्लेसमेंट है वो डिफरेंट जगहों पर है यहां पर हमारे पास डेसिमल से पहले दो डिजिट्स हैं और यहां पर हमारे पास डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो यहां पर अगर बच्चे इस तरह से लिखेंगे कि 15.4 और उसके बाद फिर 9 को 1 के नीचे लिख दें पॉइंट यहां लगा दें और फाइव के नीचे सिक्स को लिख दें फोर के नीचे एट को लिख दें यानी हर डिजिट के नीचे एक डिजिट को लिख दें और डेसिमल की प्लेसमेंट को आगे पीछे कर दें तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है आपने डेसिमल्स को एक लाइन में अरेंज किया उसके बाद आपने नंबर्स की प्लेसमेंट कर ली तो हमारे पास आंसर आया फिफ्टीन पॉइंट प्लस नाइन अब जहां पर हमारे पास कोई डिजिट्स नहीं है वहां पर हम जीरो लगा देंगे ठीक है तो ये आपके पास नंबर आ गया फिफ्टीन प्लस जीरो नाइन पॉइंट सिक्स एट ठीक है अब हम इसको ऐड करेंगे जीरो प्लस एट इज एट फोर प्लस सिक्स इज टेन अगेन हमारे पास दो डिजिट नंबर आए हैं तो हमने क्या करना है जीरो यहां लिख के वन को कैरी फॉरवर्ड करना है दिस इज फिफ्टीन तो हम यहां पर फाइव लिख के वन को ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो एट सिमिलरली गोज विद दिस वन यहां पर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो पूरे पूरे डे, डेसिमल से पहले भी दो हैं और डेसिमल के बाद भी दो हैं तो ये बहुत इजी है फाइव प्लस फाइव टेन जीरो विल कम ओवर हेयर वन विल कैरी फॉरवर्ड सिक्स प्लस वन सेवन प्लस टू नाइन देन फोर प्लस थ्री सेवन थ्री प्लस टू फाइव फिफ्टी सेवन प्वाइंट नाइन जीरो इज दी आंसर ठीक है उसके बाद आ जाइये नंबर एफ पर यहां पर हमारे पास इसी तरह से है टेन पॉइंट जीरो सिक्स फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव हमने इनको वर्टिकली एज इट इज लिख लिया डेसीमल के नीचे डेसेमल तो दी आंसर वुड बी सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन कैरी फॉरवर्ड वन प्लस नाइन टेन अगेन वन कैरी फॉरवर्ड अगेन टेन वन प्लस नाइन टेन और ये हमारे पास आंसर आ गया सिक्सटी पॉइंट जीरो वन ठीक है स्टूडेंट्स इसी तरह आप सॉल्व करते जाएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएंगे यहां पर भी हमारे पास इसी तरह से नंबर्स हैं फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो नाइन फोर्टी टू पॉइंट एट नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एट प्लस वन नाइन थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस फाइव नाइन दी आंसर वुड बी नाइनटी फाइव पॉइंट नाइन एट ठीक है और इसी तरह से अगर हम आ जाए यहां पर फिफ्टीन प्वाइंट फोर फोर प्लस फोरटीन थ्री नाइन तो फोर प्लस नाइन इज थर्टीन फोर प्लस वन फाइव प्लस थ्री एट फोर प्लस फाइव नाइन एंड वन प्लस वन टू दी आंसर वुड बी ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट थ्री तो देखा आपने स्टूडेंट्स कितना आसान है आप सिर्फ दो तीन चीजों का ख्याल रखेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी के साथ रिजोल्व हो जाएंगे आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं कोई क्वेरीज हैं कोई भी सवालत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स डोंट फिगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज ठीक है Thanks for watching the video. Take care. Allah Hafiz.